Hello, magic buddies. Welcome to Magic Education. It's not a class, it's magic. I am SM sir, and today we are going to explore a very simple concept, that is pollution. So let's begin. Pollution. जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग पिक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं. जैसे कि कुछ लोगों के दिमाग में फैक्ट्री आएंगी जो बहुत सारा एयर पोल्यूशन कर रही है. कुछ लोगों के दिमाग में ट्रैफिक आएगा जिसमें बहुत सी गाड़ियां कार्स अपना हॉर्न बजा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर रही है, एयर पोल्यूशन कर रही है. कुछ लोगों के दिमाग में होगा वाटर पोल्यूशन जिसमें हम सीवेज वाटर छोड़ते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट छोड़ते हैं. तो कुछ लोगों के दिमाग में होगा पिक्चर सॉइल पोल्यूशन का जिसमें हम एग्रीकल्चर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट या गार्बेज सॉइल में फेंक देते हैं. इसी पोल्यूशन के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, समझेंगे. बने रहिए मेरे साथ. पोल्यूशन. सो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज पोल्यूशन, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? सो पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज कंटामिनेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट दैट विल बी हार्मफुल टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज पोल्यूशन. तो अगर सिंपल शब्दों में अगर हम इसे समझे तो कंटामिनेशन यानी गंदा होना किसका? नेचुरल एनवायरनमेंट का, यानी हमारे सराउंडिंग का गंदा होना जो हार्मफुल होगा हमारे इकोसिस्टम को, उसे हम कहेंगे पोल्यूशन. तो यहाँ पे एक वर्ड आता है इकोसिस्टम. सो व्हाट डज दिस वर्ड इकोसिस्टम मीन? इकोसिस्टम इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, यानी ये ऐसा एरिया होता है जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने लगते हैं, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. सो पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज contamination of natural environment that will be harmful to ecosystem is called as pollution, full stop. This is the definition of a pollution. So कौन है जो ये pollution कर रहा है? Factors affecting natural function of ecosystem and causing harmful effects on abiotic and biotic factors are called as pollutants. यानी जो pollution कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम pollutants कहेंगे. क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट्स. पोल्यूटेंट्स के एग्जांपल्स है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मेनी मोर. सबसे पहले इस लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन के बारे में सीखेंगे और आने वाले लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन भी कवर करेंगे. सो एयर पोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंस लाइक पॉइजनस गैसेस, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर, माइक्रोब एक्सेट्रा इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन. यानी हम जो हवा हमारे आसपास में है, जो एयर हमारे आसपास में है, उसका कंटामिनेट होना, उसका गंदा होना यानी एयर पोल्यूशन होना. अब ये एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स है वो पोल्यूटेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं पॉइजनस गैस, स्मोक, पार्टिकुलेट मैटर और माइक्रोब्स. अब एयर पोल्यूशन होने के मेन टू रीजंस है. कितने रीजंस है? टू रीजंस. वो है नेचुरल रीजंस एंड मैनमेड रीजंस. नेचुरल रीजंस वो रीजंस है जो नेचर की वजह से होते हैं और मैनमेड रीजंस वो रीजंस है जिसमें ह्यूमन का हाथ होता है. ह्यूमंस के वजह से, इंसानों की वजह से वो पोल्यूशन होता है, इसे हम मैनमेड रीजंस में कंसिडर करते हैं. नेचुरल रीजंस में आते हैं वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, माइक्रोब्स. मैनमेड रीजंस में आते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी प्लांट एंड ब्लास्ट. इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं. नेचुरल रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन. नेचुरल रीजंस में वो रीजंस आते हैं जो नेचर में है, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन जिसे हम ज्वालामुखी का फटना भी कहते हैं. इसमें आपने देखा होगा टीवी में, कार्टून्स में, कि जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत सारा स्मोक और लावा बाहर निकलता है. सॉलिड गैसेस, लिक्विड मटेरियल एमर्जेस आउट थ्रू इरप्शन. एग्जांपल हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वेपर, डस्ट. तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से जो स्मोक निकलता है उस स्मोक में हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन वेपर, डस्ट, ये सब चीजें होती है जो एयर पोल्यूशन कॉज करती है. सेकेंड रीजन होता है अर्थक्वेक्स. जी हाँ, अर्थक्वेक्स भी एयर पोल्यूशन कॉज कर सकता है. कैसे? जब
अर्थक्वेक होता है तो आपने देखा होगा कि हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे क्रैक्स गिर जाते हैं और उन क्रैक्स में से अर्थ के अंदर जो पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर्स होते हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। पॉइजनस गैसेस एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ आर रिलीज इनटू द एयर। तो ये पॉइजनस गैसेस जो अर्थ सरफेस के नीचे दबे होते हैं जब अर्थक्वेक आता है तो क्रैक्स गिर जाते हैं और उन क्रैक्स में से ये पॉइजनस गैस बाहर निकलता है और एयर को पोल्यूट कर देता है। साइक्लोन्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स, डस्ट, सॉइल, गार्बेज, पोलन, माइक्रोब्स आर मिक्स्ड इन एयर। जब भी साइक्लोन्स या फिर डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं तो सॉइल पर या फिर हमारे जमीन पर जो भी डस्ट होता है, सॉइल होता है, गार्बेज, पोलन, माइक्रोब्स, ये हवा के साथ गोल गोल चक्कर खाने लग जाते हैं जिसकी वजह से ये एयर में सर्कुलेट हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। फोर्थ रीजन है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई जाके वहां पे जानबूझ के आग लगा रहा है। मैनमेड भी हो सकता है जो गलती से लग जाता है या फिर ये नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली इन द सेंस लाइटनिंग की वजह से फॉरेस्ट फायर हो सकता है। जब भी लाइटनिंग होता है तो फॉरेस्ट में जो ड्राई एरिया होता है, सूखी लकड़ियां होती है, पेड़ पत्ते होते हैं, तो उनपे लाइटनिंग की वजह से फायर स्टार्ट हो जाता है और वो फायर धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में बढ़ने लगता है। और जब ये फॉरेस्ट में फायर बढ़ने लगता है तो वो स्मोक रिलीज करता है। उस स्मोक में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड स्मोक, ये सब होता है जो एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। फिफ्थ रीजन है माइक्रोब्स इन एयर। स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, ये सब एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू मैनमेड रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन। सो टॉकिंग अबाउट मैनमेड रीजंस, पहला रीजन है फ्यूल का यूज करना। हम ह्यूमंस अपने फायदे के लिए एलपीजी सिलेंडर्स, कार्स, एरोप्लेन, ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल यूज करते हैं और ये सब कार्स, एरोप्लेन, ये जो है वो बिना पेट्रोल डीजल के तो चलता नहीं है। तो जब भी हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं तो हम एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, टिम्बर, एलपीजी, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लिड कंपाउंड एक्सेट्रा। तो जब भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसमें पेट्रोल यूज होता है एज ए फ्यूल, तो वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा इन ओपन स्पेस कॉजेस एयर पोल्यूशन। बहुत लोग क्या करते हैं, जो गार्बेज होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसे ओपन में जला देते हैं। ये इसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। सेकेंड रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज आर बूमिंग, इंडस्ट्रीज हर जगह पे फैलते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज, नए नए फैक्ट्रीज ओपन होते जा रहे हैं, पर इसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है। इंडस्ट्रीज में अलग अलग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं और उस मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन के टाइम पे जो स्मोक निकलता है वो स्मोक एयर पोल्यूशन कॉज करता है। स्मोक इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द वेरियस फैक्ट्रीज, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पाउडर इन एयर। तो इन स्मोक में सल्फर पाउडर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉटन सीड पाउडर, ये सब जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर्स है वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। द थर्ड इज एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड ब्लास्ट। हम लोग एटॉमिक एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी करते हैं, उसी के साथ एटॉमिक वेपन्स यानी एटम बॉम्ब्स बनाने में भी एटॉमिक एनर्जी रोल प्ले करता है। और जब भी हम एटॉमिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी या फिर एटॉमिक वेपन बना रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम। और इनके यूज करने से क्या होता है, एयर में रेडिएशंस रिलीज हो जाते हैं। रेडिएशंस क्या है, रेडिएशंस आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो हमें कैंसर जैसी बीमारियां कॉज कर सकता है, इसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। तो हमने देखा नेचुरल रीजंस में वोल्केनिक इरप्शन आता है, साइक्लोन्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, ये दो मेन रीजंस है। इसके अलावा हमने अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर और माइक्रोब्स इन एयर के बारे में भी सीखा।
मैनमेड रीजंस में फ्यूल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स एंड ब्लास्ट आते हैं। अब इस एयर पोल्यूशन का सोर्स और इफेक्ट और अच्छे से पढ़ते हैं। ये जो टेबल आपके सामने दिख रहा है ये बहुत ही इजी टेबल है, ध्यान से सुनिए, आपको ये पूरा टेबल फटाफट याद हो जाएगा। एयर पोल्यूटेंट्स सल्फर डाइऑक्साइड, सोर्स मतलब कहां से ये निकलता है, फैक्ट्रीज जहां पे कोल और मिनरल ऑयल यूज होता है उनसे सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, इरिटेशन ऑफ आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सेस म्यूकस, कफ एंड वीक। इरिटेशन ऑफ आईज यानी आईज में जलन होना, रेस्पिरेटरी ट्रैक, एक्सेस म्यूकस यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स है, ट्रकिया है, उसमें एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है। एक्सेस म्यूकस मतलब क्या, हमारे नोज में जो स्टिकी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे हम म्यूकस कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी में एंटर करता है तो वो स्टिकी सब्सटेंस यानी म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमें कफ और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंड एयर पोल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड सोर्स है इसका व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, यानी जो व्हीकल्स में हम लोग पेट्रोल डीजल केरोसिन यूज करते हैं उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है उसमें जो स्मोक निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये इफेक्ट क्या डालता है, इट लोअर्स O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। हमारे ब्लड में रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी हमारा ब्लड ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। पर अगर हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर कर जाता है तो हमारे ब्लड का जो O2 कैरिंग कैपेसिटी है यानी ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। थर्ड एयर पोल्यूटेंट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स है व्हीकुलर स्मोक। इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। पार्टिकुलेट मैटर, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डस्ट, व्हीकुलर एंड इंडस्ट्रियल स्मोक, सिलिकोसिस ये एक डिजीज है जिसमें अगर हम सिलिकॉन या फिर सिलिकॉन के क्रिस्टल्स अगर इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। सिक्स इज पेस्टिसाइड्स, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ये ज्यादातर एग्रीकल्चर में यूज होता है, पर इसका ओवर यूज एयर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है क्योंकि इसे जब स्प्रे किया जाता है तो इसके ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और ये अगर किसी पर्सन ने, हेल्थी पर्सन ने उसे इनहेल कर लिया तो उसमें मेंटल वीकनेस आ सकता है, डेथ ड्यू टू प्रोलॉन्ग एक्सपोजर यानी अगर वो ज्यादा टाइम तक वो ड्रॉपलेट्स या फिर उस एनवायरनमेंट में रहा जहां पे पेस्टिसाइड्स ज्यादा यूज हो रहे हैं तो उसकी डेथ भी हो सकती है। मीथेन, इंडस्ट्रियल लीकेज, इंडस्ट्रीज में कभी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो मीथेन यूज हो जाएगा जिससे पॉइजनिंग, स्किन कैंसर, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकती है। अगर इस पूरे टेबल को आप बड़े ध्यान से देखोगे तो सोर्सेस में हम लोग को दो चीजें कॉमन दिखती है, एक तो व्हीकल्स एंड दूसरे है इंडस्ट्री। तो जब भी ये एयर पोल्यूटेंट्स का नाम आता है और इनका अगर कोई सोर्स पूछता है तो हमें दो वर्ड्स तो आग बंद करके बोलने हैं, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके बाद इनके इफेक्ट्स में भी हम लोग को एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, वो है रेस्पिरेटरी डिसीज, यानी रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकता है अगर ये पोल्यूटेंट्स के कॉन्टेक्ट में अगर हम आते हैं तो। तो हमें ये याद रखना है जब भी हम ये एयर पोल्यूटेंट्स देखें, अगर हमें इसका सोर्स पूछा जाता है तो हमें दो सोर्सेस तो फॉर श्योर बताने हैं, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री, और अगर हमें इसके इफेक्ट्स पूछे जाए तो हमें एक कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीज, कफ, ब्रीथ, अस्थमा, ये जो रेस्पिरेशन रिलेटेड डिसीज है उनके बारे में बताना है। अब बढ़ते हैं आगे, पीपिंग इन द हिस्ट्री, एयर पोल्यूशन की वजह से हिस्ट्री में बहुत से प्रॉब्लम हुए देखते हैं। लंडन 1962, डार्क शैडो ऑफ द स्मोक रिमेन ऑन द सिटी फॉर कंसेक्यूटिव 5 डेज, यानी 1962 में लंदन में एयर पोल्यूशन की वजह से 5 दिन तक पूरा लंदन शहर
स्मॉग में घिरा हुआ था, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हर जगह उन्हें स्मॉग ही स्मॉग यानी स्मोक ही स्मोक दिखाई दे रहा था। 1948 पीटर्सबर्ग वॉज नेम्ड एज ब्लैक सिटी व्हेन स्मोक एंड सूट कॉज्ड नाइट लाइक सिचुएशन इन डे टाइम। पीटर्सबर्ग में तो एयर पोल्यूशन इतना हो गया था कि उस सिटी को ब्लैक सिटी का नाम दे दिया गया था क्योंकि दिन के टाइम भी उनको रात जैसा फील आ रहा था, इतना स्मोक हो गया था कि दिन होते हुए भी अभी रात चल रहा है ऐसा फीलिंग लोगों को आने लगा था। वर्स्ट एवर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैड बीन ऑकर्ड इन भोपाल ऑन नाइट ऑफ 2 दिसंबर 1984। 8,000 पीपल हैड बीन डाइड ड्यू टू द एक्सीडेंटल गैस लीकेज। ये एक एक्सीडेंट था जिसमें गैस लीक हो गया था और वो एयर में मिक्स होके एयर पोल्यूशन हो गया था जिसकी वजह से 8,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है एयर पोल्यूशन का। प्लांट्स में स्टोमाटा गेट क्लोज। स्टोमाटा क्या है भाई? स्टोमाटा म्यूज के ऊपर प्रेजेंट होता है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। पर एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो जाता है? ये स्टोमाटा गेट क्लोज, स्टोमाटा बंद हो जाता है। अगर स्टोमाटा बंद हो जाएगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। उस फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसे इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा जिसके वजह से वो इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सेकेंड रीजन देखिए, स्लोइंग डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर स्टोमाटा कम हो गया एयर पोल्यूशन की वजह से, स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाता। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ रहा है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है, फोटोसिंथेसिस का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन बाहर छोड़ेगा। फोटोसिंथेसिस में प्लांट अपने लिए फूड भी तैयार करता है। और अगर स्टोमाटा क्लोज है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा तो फूड कम होगा, फूड कम होगा तो ग्रोथ इज रिटार्डेड, लीव्स फॉल ऑफ और बिकम येलो। पर अगर इनफ अमाउंट ऑफ फूड प्लांट अगर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसका लीव जो है वो गिर जाएगा और वो येलो भी हो जाएगा। एनिमल्स में दो कॉमन चीजें याद रखनी है, रेस्पिरेशन इन एडवर्सली अफेक्टेड, इरिटेशन ऑफ आई। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाता है और आईज में इरिटेशन हो जाता है। एयर पोल्यूशन का और इफेक्ट ओजोन लेयर पे भी देखने को मिलता है। अब ये ओजोन लेयर क्या है? हमारे अर्थ के बाहर एक स्ट्रेटोस्फीयर का लेयर होता है और उस स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के 48 किलोमीटर के ऊपर ओजोन का लेयर होता है। ये ओजोन लेयर अर्थ को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये ओजोन लेयर सिर्फ सेफ सोलर रेस को अर्थ तक आने की परमिशन देगा, यानी ये एक हवलदार या फिर एक गार्ड की तरह काम करता है जो सिर्फ सेफ सोलर रेस को अर्थ की तरफ आने देगा। और अगर कोई हार्मफुल रे आती है तो इससे वो रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाती है। ओजोन हार्मफुल यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास होने नहीं देता। पर एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? ये ओजोन का शक्ति कम हो रहा है, ये ओजोन धीरे धीरे डिप्लीट होने स्टार्ट हुआ है। ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लीटेड ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। जो एयर पोल्यूशन के रीजन, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। जब भी सोलर रेस अर्थ के अंदर आती है तो वो उसके अंदर जो सोलर हीट होती है उसमें से कुछ हीट अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक की जाती है। पर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत से गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एनवायरमेंट में उनका कंटेंट, उनका अमाउंट इंक्रीज होने लगता है। इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। ये गैसेस क्या करते हैं? ये हीट को ट्रैक कर देते हैं, यानी जो हीट रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जा रहा था उसे पकड़ के रखते, उसे बाहर जाने नहीं देते। और अगर हीट ट्रैक कर दिया तो हमको पता है कि टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं।
सीएफसी यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये क्या कर रहेगा, जो सोलर हीट वापस जा रही होती है उसे ट्रैक कर देता है, उसे पकड़ के रखता है, जिसके वजह से वो हीट रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती है और एनवायरमेंट में ट्रैक हो जाती है। जैसे ही हीट ट्रैक हो जाती है तो अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो हीट ट्रैक हुई है उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ते जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ग्लोबल यानी हमारी अर्थ ग्लोब, और वार्मिंग यानी गर्म होना। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ तो गर्म होती ही जाएगा, उसी को हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एयर पोल्यूशन का और एक इफेक्ट होता है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू बर्निंग ऑफ कोल, टिम्बर एंड फ्यूल ऑयल। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन बहुत से काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, जिसके वजह से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं वो ऊपर जो क्लाउड्स होता है जिनमें रेन ड्रॉप्स होता है, उस रेन वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड बना देते हैं। तो ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होता है ये ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में और वहां पे जो रेन वाटर होता है उसके साथ मिक्स होके सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बना देते हैं। और ये एसिड मिक्स हुआ रेन वाटर, रेन ड्रॉप्स, यानी जब रेनी सीजन होता है तो रेन थ्रू हमारे ऊपर गिरने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड रेन। This acid mixed with raindrops and snowflakes and comes down as a rain is called as acid rain. तो जो oxides of sulfur and nitrogen है वो ऊपर जाके रेन वाटर के साथ मिक्स होगा, एसिड्स बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, और ये सब एसिड रेन ड्रॉप्स या स्नोफ्लेक्स के साथ नीचे आते हैं और इसे हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन के जो इफेक्ट्स है अब उनके बारे में देखते हैं। Acidity of soil and water body increases due to acid rain. It harms the aquatic organism, plants and entire forest life. Total ecosystem are adversely affected. अब acid अगर rain form में नीचे आएगा तो water bodies का acidity level increase हो जाएगा। वहाँ पे जो organisms रह रहे होते हैं, aquatic organisms, वो acid water में नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनकी death हो जाती। जो plants है उन्हें भी अगर हम लोग वाटर की जगह पे एसिड देंगे तो वो भी मर जाएंगे। और वहां पे जो एनिमल्स रहते हैं उन पे अगर वो एसिड रेन गिरता है तो उन्हें भी उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को, उनपे भी उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। इरोजन्स ऑफ बिल्डिंग, पर्स्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, मेटल आइडल्स, वायर फेंसेस एक्सेट्रा ऑकर ड्यू टू द एसिड रेन। अब यहाँ पे जो महाशय है, एसिड रेन से पहले ये बहुत अच्छे दिख रहे थे टकाटक, जब एसिड रेन हुआ तो देखो ये भी डिग्रेड होने लग गए हैं। इनका पूरा, इनके ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ते जा रहा है। तो एसिड बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स इन पे भी इफेक्ट डालता है। आपने सुना होगा कि ताजमहल जो है वो येलो होते जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, एसिड रेन। हेवी मेटल्स लाइक mercury, cadmium are absorbed by the plants and thereby enter the food chain indirectly due to the acid rain. अब heavy metals जैसे कि mercury और cadmium ये normal food chain में नहीं होते हैं, पर acid rain की वजह से ये food chain में आ जाते हैं। अब ये food chain क्या है? For example लेते हैं हम लोग कि grass है, grass पे grasshopper खाएगा, grasshopper को frog खाएगा, frog को snake खाएगा, snake को eagle खाएगा। तो ये एक chain है, grass, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो ये है फूड चेन जिसमें कौन किसको खाता है वो उनको पता चलता है। अब इसमें हेवी मेटल का तो कहीं रोल देखने को नहीं मिला, ये नॉर्मल फूड चेन है। पर जब एसिड रेन होगा तो वो एसिड प्लांट जो है वो उनके अंदर आ जाएगा, और अगर उस प्लांट को ग्रासहॉपर खाता है, यानी वो हेवी मेटल ग्रासहॉपर में आ गया, ग्रासहॉपर को फ्रॉग खा रहा है तो वो हेवी मेटल फ्रॉग में ट्रांसफर हो गया, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, हेवी मेटल स्नेक में ट्रांसफर हो गया, स्नेक को ईगल खा रहा है, हेवी मेटल ईगल में ट्रांसफर हो गया। इस तरह से वो हेवी मेटल्स
फूड चेन में एंटर हो जाता है जो हार्मफुल है इन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ड्यू टू एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर इन वाटर बॉडीज एंड पाइप्स, लीचिंग ऑफ मेटल एंड प्लास्टिक मटेरियल ऑकर्स इन वाटर एंड देयर बाय सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम अराइजेस. जब एसिड ड्रेन होता है तो वाटर बॉडीज में एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, और जब वो एसिड वाटर पाइप से या फिर प्लास्टिक कंटेनर में हम लोग रखते हैं तो उस मेटल, जिस मेटल से वो पाइप बना है, वो मेटल धीरे धीरे उस वाटर में क्या होने लगता है, मिक्स होने लगता है. प्लास्टिक भी उस वाटर में क्या होने लगता है, मिक्स होने लगता है. और अगर ऐसा वाटर हम लोग यूज करते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे हेल्थ पे देखने को मिलता है. तो ये थे एसिड के कुछ इफेक्ट्स. अब ये सब जो हम लोग ने देखा वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा था. अब इस एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. स्मोक इमर्जिंग फ्रॉम द फैक्ट्रीज कंटेन हार्मफुल पार्टिकल, हेंस पोल्यूशन कंट्रोलिंग मशीनरी शुड बी यूज, एग्जाम्पल एरेस्टर्स एंड फिल्टर्स. फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एरेस्टर्स और फिल्टर्स लगाते. ये एरेस्टर्स और फिल्टर्स क्या करेंगे कि जो हार्मफुल स्मोक बाहर निकल रहा होता है उसको फिल्टर करने का काम करेंगे. उसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको अलग कर देंगे और सिर्फ उतना ही स्मोक अलाउ करेंगे जो कंट्रोल में रहेगा, जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रखेगा. सेकंड, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्टिंकिंग वेस्ट जनरेटेड इन द सिटी. जो स्टिंकिंग वेस्ट है यानी जिससे बदबू आती है, गंदा जो वेस्ट होता है उसको सही ठिकाने लगाने का काम. अगर वो हम नहीं करते, अगर उसे हम लोग प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, उसे सही ठिकाने नहीं लगाते, तो वो स्टिंकिंग वेस्ट क्या होगा, बैड स्मेल, फाउल स्मेल देगा, गंदा स्मेल हमें आएगा. इसीलिए इसका प्रॉपर डिस्पोजल जरूरी है. कंट्रोल ऑन एटॉमिक टेस्ट केमिकल वेपन्स. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, एटॉमिक वेपन्स बनाने में हर कंट्री, हर देश बहुत तेजी से भागना चाहता है, पर हमें इस पर कंट्रोल रखना जरूरी है ताकि एयर पोल्यूशन कंट्रोल में रहे. लास्ट, कंट्रोल और बैन ओवर सीएफसी प्रोडक्शन. सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रोडक्शन पे कंट्रोल या फिर बैन रखना जरूरी है. अब ये सीएफसी कहां से आता है, ये हमारे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एसी और जो हम लोग फुसफुस यूज करते हैं डीओ, उसमें होता है. सो हम लोग ने आज एयर पोल्यूशन के बारे में सीखा, जाना. आज के लिए हम यही रुकते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट हम आने वाले लेक्चर्स में कॉल करेंगे. आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए.